आज की जो मीटिंग है दिस इज द सक्सेस स्टोरी, और ये सक्सेस स्टोरी है, कंट्री का नाम है बेल्जियम। तो वहाँ का रिसेंटली स्टूडेंट वीजा आया है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट का। और ये जो केस है वो है हमारे बठिंडा ऑफिस का, और बठिंडा ऑफिस के जो हमारे मैनेजर मिस्टर हरजिंदर जी वो भी हमारे साथ इस यू मीटिंग में है। तो इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर ये बता दूं कि क्राउन इमिग्रेशन के पास कम से कम 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं, शेंगेन की 26 कंट्रीज ऑन अवर फिंगर्स। आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका बजट क्या है, आपका IELTS स्कोर क्या है, सिंगल जाना है, स्पाउस के साथ जाना है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है, उनको देखने के बाद वी आर गिविंग द सजेशन टू द स्टूडेंट्स कि कहाँ पर आपका हो पाएगा। तो अभी मैडम जो जिनका वीजा आया है उनसे भी हमारी जो डिस्कशन रहेगी, उनसे भी पूछेंगी हमारी सर्विसेज कैसी रही हैं और उनकी जर्नी क्राउन इमिग्रेशन के साथ कैसी रही है। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस यू मीटिंग में। आप दोनों को मेरी तरफ से नमस्कार थैंक यू सर। थैंक यू सर। है। ओके, सबसे पहले हरजिंदर जी आपसे स्टार्ट करते हैं। तो हरजिंदर जी, ये मैडम जिनका अभी सक्सेसफुली वीजा आया है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? सर ये बरनाले से, बरनाले से है सर। जी बरनाले। तो बठिंडा में रजिस्टर्ड हुए थे आपके पास, जी सर। जी सर। तो आपको इनकी प्रोफाइल के बारे में मालूम है कुछ लिटिल बिट? तो जी सर। इनकी क्या एजुकेशन है हाईएस्ट? इनकी सर प्लस टू की हुई है आर्ट्स में, इंग्लिश मीडियम में। ठीक, कितने परसेंटेज हैं? 90% है सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मैडम आपके ऊपर आते हैं, मैडम आपका बोर्ड कौन सा था ये 12th का? सर इट वाज सीबीएसई। CBSE। तो आपने जो अपनी 12th तक कौन से साल में पास आउट है? सर आई डिड इट इन 2020 पास आउट। आई डिड इट फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी मसूरी। वेरी गुड। एंड यू ऑल्सो डिड द IELTS? यस सर आई विल टेक द आईएलटीएस टेस्ट ओ द वेरी सेम ईयर। ओके, टेल मी द स्कोर, हाउ मच यू गॉट द बैंड्स इन IELTS? इट वाज 7.5। ओके, तो एज पर योर प्रोफाइल, तो आप जैसे प्रोफाइल वाले जो बच्चे हैं मैक्सिमम जो 95%, 90 से 95% दे आर लुकिंग फॉर कैनेडा और यस सर। ऑस्ट्रेलिया और यूके, तो व्हाई नॉट आपने उन कंट्रीज की ओर तवज्जो क्यों नहीं किया? सर फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली समटाइम्स माई पेरेंट टोल्ड मी लाइक आपको कौन सी कंट्री में जाना है। दे वर आस्किंग अबाउट माई ओपिनियंस। सो आई टोल्ड देम लाइक आई वॉज ऑलवेज हैविंग अ काइंड ऑफ लाइकिंग टुवर्ड्स द यूरोपियन कंट्रीज, ग्रेट बिकॉज हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज आर ऑल्सो देयर, मैडम, कुछ लोग बात नहीं मैं करते हैं। लिखिए अप्रिशिएट करता हूँ आपका, सल्यूट है मेरी तरफ से। और एजुकेशन सिस्टम का जो स्टैंडर्ड है ओनली इन यूरोप, और जिस यस सर। यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन भी आया होगा यू कैन चेक द रैंकिंग, QS रैंकिंग ऑफ दैट यस सर। यूनिवर्सिटी व्हाट्स एवर। तो आपको एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो आपको सिर्फ यूरोप में ही मिल पाएगा। कनाडा में यस बच्चे जो सर। जा रहे हैं हमारे 90% वहां पे दो दो साल के डिप्लोमे कर रहे हैं, तो उनका क्या फर्दर फ्यूचर है ये देखकर चलिए आप जिस बच्चे ने। यस और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट और भी पूछूंगा अबाउट द ट्यूशन फीसेस, टेल मी अबाउट द ट्यूशन फीसेस ऑफ योर, आपका किस प्रोग्राम में एडमिशन आया था? सर आई गॉट इट इन बैचलर्स ऑफ सोशल साइंसेज। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड प्रोग्राम। तो इसकी क्या ट्यूशन फीस रही है? सर इट्स फॉर 1 ईयर इट इज 3,850 यूरो टू बी एग्जैक्ट। ओके गुड, तो देखिए 3,850 यूरो में साल की फीस है, अप्रोक्स 3 लाख रुपए आप लेकर चलिए, 3 साढ़े 3 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपए की साल की फीस है, जो कि बच्चा कनाडा में 10 लाख रुपए 1 साल का पे करता है। तो उसके अंदर 10 लाख में उसकी डिग्री कंप्लीट हो रही है शेंगन के, वो भी कंप्लीट डिग्री बैचलर की, साथ में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं वहां पे, सेटलमेंट के ऑप्शंस हैं इवन। और देखते हैं कि PR पॉलिसी, बच्चे पूछते हैं कि PR कैसे मिलती है शेंगेन कंट्रीज में, वहां पर भी अभी कनाडा में जो बच्चा जाता है उसके पास सिर्फ कनाडा ही है कि हाँ मैं कनाडा तक की ही मेरी बाउंड्री है, बट इन शेंगेन कंट्री बच्चे के पास 26 कंट्रीज का प्लेटफॉर्म है, और आपको वहां पे बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। आइदर यू वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस और 26 कंट्री में आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। जॉब करनी है, जॉब के लिए आपके पास 26 कंट्रीज हैं, वहां पर एरास्मस प्रोग्राम्स है, एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, ड्यूल डिग्री सिस्टम है, वो सारे के सारे आप प्रिविलेज वहां से ले सकते हैं। इवन स्कॉलरशिप के भी वहां पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट को, जैसे ये लड़की की प्रोफाइल है
तो ये वहां जाकर स्कॉलरशिप के ऑप्शंस देखकर उसको भी अप्लाई कर सकती है। तो मैडम आपने हमें क्रॉन इमिग्रेशन को कहां से फाइंड आउट किया था? So, like for this, I want to thank my mamaji. Obviously, he saw the YouTube videos. Okay. From there, he gave me the number, okay. And I called your I think so Jalandhar branch. Okay. And from there, they told me they also have a branch in Bathinda. Good. So, okay. We found. So, what about the feedback of that videos whatsoever you watched earlier? Sir, it was like really impressive because आजकल देखा जाए बेल्जियम का केस बहुत कम लोग लेते हैं बहुत ही पता ही नहीं है मैडम किसी को मालूम ही नहीं है। यू आर द लकीस्ट वन कि आपने थोड़ी रिसर्च की। जैसे आपने रिसर्च की है हर एक पेरेंट्स को हर एक बच्चे को मैं कहता हूँ जब भी उसने अपनी कोई भी जर्नी फॉरेन की स्टार्ट करनी है दे विल स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग। ऐसा नहीं है वो कब स्टार्ट करते हैं देन दे विल कम इन द प्रॉब्लम। वीजा रिफ्यूज हो जाता है या वहां चले जाते हैं यार हमने डिसीजन गलत ले लिया। तो आपने रिसर्च की है वीडियोस देखी है तो तभी मैं हर एक पेरेंट्स को कहता हूँ कि इसकी रिसर्च करने के बाद टेक द डिसीजन। बेल्जियम के बारे में आपने बताया है कि कोई बेल्जियम का कंसल्टेंट मिलता ही नहीं है मार्केट के अंदर बहुत एक्सेप्शनल। तो हमारे yes, पास sir. तो हर एक कंट्रीज के ऑप्शन है। तो आपका वहां पे कौन सी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया था? सर ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रसल्स। ब्रसल्स, वेरी गुड। तो आपने जो अपना केस रजिस्टर्ड कब करवाया था हमारे साथ कौन से मंथ में कौन से महीने में कौन से साल? I think so last year. Mm-hmm. I'm not sure. I think so it was before August. I think so July, oh, mid oh. July. क्योंकि उनके एक ही इनटेक रहते हैं इनके ये इनके इन अच्छे अच्छी यूनिवर्सिटीज के सितंबर का जो मेजर इनटेक है दैट रीजन मे बी इट विल डिले। तो हमारे जो हरजिंदर जी है जो आपका केस ऑफिसर है जो आपके केस को देख रहा था जो हमारा ब्रांच हेड है तो उनके बारे में क्या बताएंगे उनके फीडबैक के बारे में? क्या वो आपकी जो भी क्वेरीज रहती थी उसको सीरियसली लेते थे आपके फोन कॉल्स आपके व्हाट्सएप मैसेज को प्रॉपर्ली रिप्लाई करते थे? So can you repeat the question? Actually, there was a bit of connection problem. Okay, I am asking that जो आपका केस ऑफिसर था जो आपके केस को देख रहा था हमारा ब्रांच हेड हरजिंदर तो क्या वो आपके केस को प्रॉपरली फॉलो करते थे? आपके व्हाट्सएप मैसेज हुए आपकी फोन कॉल्स हुई आपके ईमेल्स हुए तो उसमें वो दे आर प्रॉपरली गिविंग द रिप्लाई टू योर व्हाट्सएवर मैसेजेस? Yes, sir. Definitely, it was the plus point in my whole journey of this visa process. As you can see, it took me about 1 year to get my visa, and it was a lot of work, a lot of patience included in it. It was not very. आजकल इतना एक साल का patience रखना बहुत मुश्किल होता है. And in top of that, they were always replying me within minute. कोई problem थी, they were busy. तो ma'am का हमेशा message आता था. I will call you after like 5 minutes. I'm busy. तो ये इस प्रकार का तरीके से connection बन जाता है. It was very beautiful and very good. Okay, madam. Thank you. I'm very thankful for all. तो देखिए ये कनाडा तो है नहीं इसके तीन इनटेक हैं जो उनके जन मई और सितंबर वाला एक ही इनटेक है इतना पेशेंस लेकर चलना पड़ेगा। और आपका क्या आपको ये लगता है कि इसमें सिर्फ कंसल्टेंट का ही पूरा रोल रहता है? क्या आपको ये भी लगता है कि दोनों का जो इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट का और कंसल्टेंट का उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर आई टेल यू इट इज 50-50% ऑफ जॉब बट आई कैन टेल यू कि अगर उन्होंने मेहनत की एंड दे वर टेलिंग मी कि यहाँ पे आपको ये करना है आपको लेटर लिख के देना है तो वो मेरी मेहनत थी मैंने अपने आईडी से लेटर लिखा पर उन्होंने टाइम टू टाइम मुझे बताया कि ऐसे करना वो गाइड करने वाला जो पाथ होता है वो एक कंसल्टेंट हमें अच्छे से बता सकता है सो आई कैन टेल यू इट इज 50-50 योर ओपिनियन इज करेक्ट। मैं दैट रीजन आई एम सेइंग कि बच्चों का क्या मेंटेलिटी है पेरेंट्स की क्या है कि क्राउन इमिग्रेशन वालों ने हरजिंदर ने या सतीश ने वीडियो डाली हुई है बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं अभी इनको एंगेज कर लिया है 100% इन्होंने ही परफॉर्म करना है। दिस इज द वेरी वेरी मतलब एक बच्चों के माइंड में एक ये चीज चलती है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ जब तक आपका 50% कंट्रीब्यूशन हमारे साथ नहीं है तो हम आपके केस को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? यू आर द सिंगल और हम सिंगल नहीं है हमारे पास 100 फाइल्स हैं स्टूडेंट्स की और उनको डील करने वाला जैसे हरजिंदर है हरजिंदर के पास अगर 20 से 25 फाइल चल रही है तो ही इज द सिंगल पर्सन हु इज डीलिंग दैट फाइल्स। जो स्टूडेंट है वो इंडिविजुअल है वो उसको प्रॉपर हमें अगर उसको हमको गाइड करते हैं तो वो उसको हमें प्रॉपर भेजता है उस चीज को तो तब ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है एक दूसरे का। विदाउट स्टूडेंट कोऑपरेशन वी कुड नॉट सक्सेस इन एनी ऑफ द वीजा।
तो दूसरा, जब आपका वहां से एडमिशन आ गया, एडमिशन के बाद अम्बेसी में आपकी वीजा अपॉइंटमेंट लेकर दी, क्या अम्बेसी में कोई आपकी इंट्रोडक्शन या कोई इंटरव्यू कुछ समथिंग हैपन हुआ वहां पे? सर आई गॉट माई वीजा एप्लीकेशन इन जलंधर, लाइक द ओके डिपार्टमेंट ओवर देयर. तो ओके वहां पे नहीं हुआ था कोई भी इंटरव्यू, बट आफ्टर सम टाइम आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बेल्जियम एम्बेसी डायरेक्टली फ्रॉम देम. सो ओके दे टोल्ड मी टू कम अप एंड फिल अप दी स्टूडेंट क्वेश्चनर. इट इज सेम लाइक दी इंटरव्यू. ओके सो तो आई कंसल्टेड विद देम आफ्टर दैट विद द क्राउन इमिग्रेशन, एंड दे टोल्ड मी लाइक इट्स नॉट अ बिग डील, यू हैव टू गिव योर आंसर्स अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस कि आप ओके क्या कहाँ जा रहे हो, आपको अपनी नॉलेज होनी चाहिए. तो दे हेल्प मी इन दैट ऑल्सो. ओके ओके तो इसके अलावा कोई वैसे इंटरव्यू नहीं हुई टेलीफोनिकली? नहीं सर, ऐसे कोई इंटरव्यू नहीं हुई, बट आई दी स्टूडेंट क्वेश्चनर वॉज इट इटसेल्फ अ इंटरव्यू. जैसे मैंने इंटरव्यू, पहले भी बोला, वहां ओके पे ओके तो क्वेश्चंस थे. आपकी इंटायर जर्नी जो क्राउन इमिग्रेशन, स्पेशली हरजिंदर जी क्राउन इमिग्रेशन का जो बठिंडा का ऑफिसर, कैसी रही? सर आई कैन टेल यू इट वॉज द बेस्ट जर्नी. लाइक मेरा फर्स्ट टाइम था, कोई भी वीजे प्रोसेस में नहीं आई थी. माई पासपोर्ट वॉज नॉट इवन टच्ड कोई भी वीजे प्रोसेस के अंदर. सो मुझे बहुत डर था, लाइक मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है. सो उन्होंने हर एक काम जो भी मेरा प्रोसेस से लेके मेरी जो पोस्टेड करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स, काइंड ऑफ अ फैमिली मेंबर के जैसे उन्होंने ट्रीट किया. लाइक दे वर टेलिंग मी, सिमरन बेटा आपको ये डॉक्यूमेंट्स है. मैम का भी फोन आता था कि आप मुझे ये सेंड करवा दो, हम आपके पोस्टेड करवा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक इन्होंने ठीक ये नहीं है कि मंगवा लिए, इन्होंने बताया भी पोस्टेड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ठीक ठीक आपके ठीक ठीक लिए. सो चलो। इट वॉज अ प्लस पॉइंट, इट वॉज अ वेरी गुड जर्नी एंड वेरी स्मूथ जर्नी. तो बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके। थोड़ा सा बच्चों को, हमारे ये व्यूवर्स को थोड़ा सा वीजा भी दिखा दीजिए अगर है आपके पास, अगर पासपोर्ट हो तो। दिस इज वेरी यस इंपॉर्टेंट, सर. क्योंकि लोगों में मोटिवेशन वीजा देखकर आता है। मैं मोटिवेशन नहीं देता हूँ वीडियोस दिखा के कि ये वीजा आ गया है, हम फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक हरजिंदर जी, यू सर. हरजिंदर जी, आपको मैडम के साथ जी काम सर, करके कैसा लगा जब ये स्टूडेंट आपके साथ डील कर रहा था? कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बड़े कंफ्यूज रहते हैं और वो बहुत जी इरिटेट सर, भी जी करते सर. हैं, दे मैसेज पे मैसेज, अननेसेसरी पूछते रहते हैं। उनका स्टूडेंट का क्या है कि अभी मुझे 10 दिन पहले केस देकर गया हो, तो 11th डे जाए घर जाते ही कहेगा, सर हाँ जी सर, कहाँ प्रोसेस पहुंचा मेरा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, तो आपका मैडम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर इनसे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि इनकी एसओपी रेडी करनी थी, इनको जस्ट फॉर्मेट सेंड किया, जो भी एसओपी रेडी करनी थी इन्होंने अपने आप को एडिट किया, उसके बाद हमने हेल्प कर दी. जितनी भी हेल्प करनी थी इसने बहुत हमसे कोऑपरेट किया, ठीक ऐसा कोई ठीक दिक्कत नहीं थी. और इवन ठीक के बार बार कॉल नहीं करते थे, जब करते थे ओनली मैसेज करते, उसके बाद बता देते थे. तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। देखो दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अगर एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो फिर क्या है कि ट्यूनिंग अच्छी नहीं बैठेगी, तो वो भी सामने वाला भी प्रॉब्लम में रहेगा, स्टूडेंट भी प्रॉब्लम में रहेगा। तो आप दोनों से, हाँ जी बोलिए। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम अप्लाई कर देते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं सर एडमिशन लेटर कब आएगा, एडमिशन लेटर नहीं आया. सर इन्होंने मेरे को एक बार भी नहीं कॉल की भी सर मेरा एडमिशन लेटर क्यों नहीं आया, ठीक बिकॉज मालूम है कि एडमिशन लेटर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने देना है, पीछे से होना है. ठीक ठीक इन्होंने ठीक भी 1 ईयर पेशेंस से वेट की ठीक और ठीक पेशेंस के अकॉर्डिंग ही हमको वीजा मिला. अगर वेरी गुड, पेशेंस है तो ही वीजा मिला है. वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और मैसेज मैं यही दूंगा कि कोऑर्डिनेशन और पेशेंस कंसल्टेंट के साथ, तभी आप एक सक्सेस और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। तो फिर इस जूम मीटिंग को हम समाप्त करते हैं, तो दोनों को मैं नमन करता हूं, धन्यवाद। और आपके लिए मैडम बेस्ट ऑफ लक, और आपकी जो थैंक यू, फर्दर की जो जर्नी है वो भी अच्छी रहे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द ओके, विशेस. थैंक यू।